हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 स्पोर्ट्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और हैदराबाद FC का कल का मैच के बारे में। कल का मैच का फुल प्रीव्यू के बारे में बात करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का टीम उतरी थी अपने होम ग्राउंड में हैदराबाद FC के साथ, और इसी मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के तरफ से। और बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने चांस क्रिएट किया था इसी मैच में, बट इन चांस को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC गोल में तब्दील नहीं कर पाया। और इसी चलते नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का फैंस जो सोच रहा था, जो एक्सपेक्ट कर रहा था, इनको उल्टा देखने को मिला। जो स्कोर लाइन होना था इस स्कोर लाइन को नहीं हो पाया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जितने चांस बनाया था, इन चांसों को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC फिनिश करते तो शायद स्कोर लाइन 5-1-4-1 ऐसा होते थे। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने 8 मिनट में ही ओन गोल के चलते जीत ले लिया था। और 30 मिनट तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने बहुत ही ज़्यादा अटैक बना रहा था, बहुत ही ज़्यादा चांस क्रिएट कर रहा था। और 30 मिनट के बाद हैदराबाद FC ने धीरे धीरे अटैक बनाने लगा और हाफ टाइम के पहले ही इक्वलाइज कर लिया। और हाफ टाइम के बाद तो ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का होम ग्राउंड में ये मैच नहीं हो रहा है, हैदराबाद FC का होम ग्राउंड पर हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC अटैक ही नहीं बना पा रहा था, हैदराबाद FC अटैक के बाद अटैक बॉल पोजीशन अपने पास रख रहा था, अटैक बना रहा था। और कल का नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का मैच परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगा। और सबसे ज़्यादा कल नेस्टर एल्बियास ने चांस मिस किया है, और नेस्टर एल्बियास के द्वारा कल थोड़ा सा सेल्फिश गेम भी देखने को मिला है। नेस्टर एल्बियास ने ऐसा कोई बॉल मिला है नेस्टर एल्बियास को, जिन बॉलों को नेस्टर एल्बियास अदर्स प्लेयर्स को पास कर सकते थे और शायद स्कोर लाइन अलग भी हो सकती थी। ओवरऑल कल का मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो डिफेंस मुझे अच्छा लगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने डिफेंस लाइन ने हैदराबाद FC का अटैकर्स को अच्छी तरह से मार्क करके रखा है। और इसके बाद जिथिन MS ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जिथिन MS के द्वारा कल बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला है, और कुछ गलतियां भी किया है, बट अदर मैच से कल का मैच में जिथिन MS का परफॉर्मेंस बेहतरीन बोल सकते हैं। और कल का मैच में इप्सन मेलो को थोड़ा सा पहले उतारना चाहिए था। लास्ट टाइम में इप्सन मेलो को खेलने को मौका मिला। और कल का मैच से मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। आप लोगों को कल का मैच कैसा लगा, आप लोगों का ओपिनियन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही है। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय अहोम, वंदे मातरम।